नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु बापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर रही है और सब तमाम खबर पर आलोचना करिबा किंतु प्रथम नजर पकाई नबा आज बड़ खबर पर आसवा प्रथम बड़ खबर को काय मिलौछि कोरोना भारत रे द्वितीय कोरोना रोगी चिन्हट हेबा पर आकने लोके भयभीत होइ पड़िछन्ति एपरि परिस्थिति रे कोरोना परि लक्षण देखा जिवारु एससीबी रे दुई जन को भर्ती करा जायछि समानक मधिर जनकर नमूना परीक्षा पई लैबोरेटरी को पठा जायथिबा बळे आज आउ जनकर नमूना पठा जिवो बोली सूचना मिलिछि राज्य रु समुदाय पांच जनक नमूना पुणे वायरोलोजी लैब को पठा जाइथिला पांचटी नमूनारु चारोटी रिपोर्ट नेगेटिव आसथिबा डीएमटी सूचना दिछंती एससीबी मेडिकल रे भर्ती होइथिबा फुलबणी रो डाक्टरी छात्रन को रिपोर्ट जाय आसिनाही से चीन रे पडुथिले तेनु चीन फेरंता व्यक्ति को उपरे कडा नजर रखा जाइछि अन्य पक्षरे ओडिशा सरकार को पक्षरे मध्य कोरोना भूताण को नै एडवाइजरी जारी होइछि ओडिशा आसथिबा चीन हांगकांग थाईलैंड एवं सिंगापुर रो लोकन को स्वास्थ्य अवस्था जांच पई सरकार एडवाइजरी जारी करिछंती तापरे परवर्ती कार्यप्रंथा ग्रहण करा जइबो बोली सरकार को पक्षरु सूचना दिया जाइछि बलांगीर जिल्लार खपराखोल ब्लक बुढ़ीभाल गाँव श्यामसुंदर पोटेल मृतदेह खपराखोल पाठानगढ़ मुख्य रास्ता बेजल सागर कलभर्ट ब्रिज निकट उद्धार हो मृत व्यक्ति श्यामसुंदर संध्या छटे बेलसागर गाँव को मांस आने को जाते संध्या आठटा पर्यंत घर को न फेरव घर लोक फोन करते से शीघ्र फेरुची बोली कहते घर को न फेरव खोजाखोजी आरंभ करते पर लोके स्थानीय लोके ब्रिज तले मृत शरीर पड़ता देखी खपराखोल पुलिस को खबर देते दुर्घटना स्पष्ट जमापड़ हत्या ना दुर्घटना सन्देह हत्यार अभोग आनी पर लोके अंपक्ष खपराखोल पुलिस मृतर रहस्य जानापी तदंत चल गर्जिले बरगड़वासी सिटी हॉस्पिटल दाबी नहीं आंदोलन जोर धरुची सिटी हॉस्पिटल दाबी नहीं कांग्रेस तरफ गतकाली 24 घंटिया अनशन और बीजेपी पक्षर तीन घंटिया धारणा दिया जाता कौन प्रशासनिक अधिकारी धारणास्थल को न आसवर सन्धार जनसाधारण बरगड़वासी टायर जाड़ी रास्ता अवरोध करते आज पुणी थे बरगड़र जनसाधारण उत्तेजित हो पुणा मुख्य चिकित्सा विक्षोभ प्रदर्शन करते कौन पुणा मुख्य चिकित्सा नूतन मुख्य चिकित्सा को समस्त सामग्री स्थानांतरित कराला पूर्वपरी पुणा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा दाबी सह अधिक संख्यक शज्ञा डक्टर को दाबी कर धारणास्थल में वर्तमान बरगड़ विधायक देवेश आचार्य को हटहट होगा पड़ी लोके विधायकों को घेरी बस केवल सिटी हॉस्पिटल दाबी करते वर्तमान स्थिति खराब होगा बसले कारण बरगड़ में वर्तमान स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण रूपे ठप हो पड़ी सिटी हॉस्पिटल दाबी नहीं आज बरगड़ सहर दुकान बजार स्कूल कॉलेज सब बंद रही विभिन्न छक जगार लोके टायर जाले विक्षोभ प्रदर्शन करते बौद्ध जिलार बमंडा ग्राम अंतर्गत 57 नंबर जातीय राजपथर बलाटजूर ब्रिज पाखे आज रात्रि प्राय 9:15 सानंद प्रधान नामक युवक जार बयस 23 वर्ष हेब गोटे हीरो डिलक्स गाड़ी आसवा बेले बौद्ध पटु आसा अजना गाड़ी धक्के मृत्यु होती ए खबर पाई बमंडा पंचायत और आखपाखे दुखर लहरी खेली जाइए ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर सारंगधर स्टाडियम ठारे अंतर्जिला वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव उद्घाटित होती उद्घाटन उत्सव में उपजिलापाल विष्णु प्रसाद आचार्यों सभापतित्व में मान्यवर खनिज इस्पात और पूर्त विभाग मंत्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक मुख्य अतिथि भाव में जोगदे से मुख्य वक्ता भाव पूर्वतन सांसद तथा नला विधायक भूपिंदर सिंह सम्मानित अतिथि भाव में परजंग विधायक नृसिंह चरण साहू एसडीपी और सुप्रसन्न मल्लिक प्रमुख उपस्थित थे कारण आम संस्कृति उत्सव गुड़ाक प्रत्येक स्थान राज्य करुचु एवं स्पोर्ट्स कंपटीशन गुड़ाक हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूल ठू आरंभ कर यूनिवर्सिटी एवं स्टेट लेवल रे किंतु क्रीड़ा उत्सव ना देकर केवल पांच दिन क्रीड़ार विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता करने सुजोग दबा ये गोटे नुआ चिंताधारा से मु डिस्ट्रिक्ट आमर सब डिविजनल लेवल रो एथलेटिक एसोसिएशन तथा आम मान्यवर मंत्री प्रफुल्ल बाबू एवं कामाख्यानगर अन्यतम विधायक डॉक्टर नरसिंह साहू समस्त को धन्यवाद जनाऊँ एवं मुझे उद्यम करूँ जे ये क्रीड़ा उत्सव जमी संस्कृति परिषद जरिया रे संस्कृति उत्सव होती प्रत्येक जिले में संध्या बेले राति से अंचल मानक समय क्रीड़ा उत्सव सामल्टेनियसली करने से व्यवस्था करूँ एवं युवक मानू जे आज माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा को गोटे वर्ल्ड पृथ्वी विश्व दरबार रे गोटे स्पोर्ट्स एवं कल्चर रो हब करने जो उद्यम चलती क्रीड़ाविद मैंने तार सुजोग नवा दरकार एवं से मैंने किभली निजक श्रेष्ठ क्रीड़ाविद आकार परिचित होकर मैंने करी से
कामाक्षनगर रही कंपिटिशन रु राज्यस्तरीय जातीयस्तरीय कमनवेल्थ एवं एशियन गेम्स वर्ल्ड पर्यंत केमती जाइपारे से चिंताधारे आज माननीय मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक एवं सहयोगी मैंने जो उद्यम करछंती माननीय सरकार नवीन पटनायक मुख्यमंत्री भी चाहूँचे पिलाने आमर केमती आसंता छः वर्ष सात वर्ष रे ओलंपिक रे आमर पिलाने केमती मेडल आनी पारिबे षष्ठ वर्ष चली खेल महोत्सव करिवार उद्देश्य रहिला जे कामाक्षेत्र को विभिन्न जगार राज्य भितर राज्य बाहर परिचित करवा आम जो पाने युवक मैंने कि खेल स्पोर्ट्स पारदर्शिता लाभ करें अंत शिखे ये विषय कार्यक्रम करने उद्देश्य जो कथा कि आज जमी मानव मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा को परिचित कर सारा विश्व गोटे भुवनेश्वर कैपिटल स्पोर्ट्स कैपिटल से भाई आम कामाक्षा से हिसाब से कार्यक्रम कराया चाहूँ आम पाने स्पोर्ट्स कैपिटल अफ ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट करा चाहूँ एवं ये क्रीडा पिला मतलब से खेल मन खेलुआ मनोवृत्ति खेला मनोवृत्ति रही जो कार्यक्रम ए सब प्रकार खेल पिला शिखु कामाक्षा से कार्यक्रम आरंभ कर आज कामाक्षनगर आयोजित षष्ठ वार्षिक उपखंड स्तरीय क्रीड़ा महोत्सव उद्यापन दिवस जो मैंने क्रीड़ाविद मैंने आभिन्न खेल प्रदर्शन करने लगी से समस्त शुभेच्छा जनाऊँ और अभिनंदन जनाऊँ एवं से मानकर भविष्य उज्ज्वलम हो कामना करुच्ची एवं जानी जे क्रीड़ा द्वारा नेशनल इंटेग्रिटी डेवलप हुए सांगे सांगे जो मैंने खेलती भितर बंधुत्व भितर चरित्र गठन हुए शारीरिक गठन में सहायक हुए एवं से माने देशपाई जड़े जड़े तारका हिसाब से प्रतिष्ठित हूँ तेणु से समस्त खेल जी भल भाव हम से क्रीड़ाविद मानक उत्तरोत्तर कामना करे सांगे ये जो आयोजन आज हो मानव मंत्री श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार मल्लिकर अदम्य उत्साह एवं अदम्य उद्यम फल कार्यक्रम सक्सेसफुल होती धन्यवाद दूची एवं आथलेटिक आसोसीएसन जो कर्मकर्ता मैंने अच्छा से मैंने भल भाव सहयोग करो भाई ढंग से आपको कार्यक्रम को प्रशंसित करतीपाई समस्त धन्यवाद दूसरी ढेंकानाल हिंदोल ब्लॉक अंतर्गत बाबंध ग्राम से नूतन राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव अनुष्ठित होती ग्रामर पांच दिन धरी विभिन्न पूजा नीतिकांति पूजार्चना पर विग्रह मान को ग्राम परिक्रमा कर मंदिर में प्रतिष्ठा कर ग्राम से गत 2014 मसीह किसी ग्रामवासी उद्यम में मंदिर निर्माण काम आरंभ होता ग्रामवासी सहायता यह मंदिर निर्माण कर गत पांच दिन धरी चली मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव में ग्रामर समस्त लोक मैंने उत्साह सहित योगदान देते बहुत बहुत खुशी अच्छे आज राम मंदिर प्रतिष्ठा हो बाबंध गाँव में बहुत एम मंदिर या बहुत खुशी अच्छे मो ना सुकांचरण साहू ये गाँव रसिंदा ये विश्व कल्याण आम गोटे रामचंद्र देव मंदिर प्रतिष्ठा कर 2012 मसीह यह शुभ दिया 2014 मसीह रत्नमुक्त होता आज 20 मसीह शुभ आज प्रतिष्ठा हो खुशी एक्साइटेड कही हम ना उड़िया वर्णना तो कही हम ना हृदय भितर कौन वर्णना कर ढेंकानाल जिला कंटापुणिया स्थित टाटा बीएसएल कारखाना परिसर में माराथन अनुष्ठित होती उक्त कार्यक्रम में चलचित्र अभिनेता सब्यसाची मिश्रा अभिनेत्री अर्चिता साहू कारखाना एमडी राजीव सिंह सीओ सुबोध पांडी मणिकांत नायक प्रमुख योगदान देते तबे एथिरे गणदौड़ में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दुईट पर्याय प्रतियोगिता अनुष्ठित होता एनिशहर ऊर्ध पुरुष और महिला भाग नहीं द्वितीय वर्ष पाई कि टाटा स्टील बीएसएल ऑर्गेनाइज करी गत थर जमी जी जन पार्टिसिपेंट्स थे ताठू पाखापाखी 1000 रु 1500 जन अधिक पार्टिसिपेंट्स अच्छे वर्ष दैट शोज कि केते लोक मानकर इंटरेस्ट अच्छे मैंने केते इंटरेस्टेड से माने पार्टिसिपेट करिया पाई कि एकाठी डीजे देखिकी बहुत ही खुशी लगला टाटा स्टील बीएसएल ढेंकानाल जो मैराथन ऑर्गेनाइज कराई बहुत इंटरेस्ट समस्त सका आसिक वी हैड अ थीम टुडे रन फॉर अ ग्रीनर अर्थ पृथ्वी को सबुज सुंदर करने समस्त एकाठी है कि सका आसी बहुत ही खुशी लगेगा टू बी पार्ट ऑफ इट थैंक यू हम लोग का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि हम लोग सोसाइटी से एंगेजमेंट बढ़ा के रखें और ये सब जो खेलकूद का जो कार्यक्रम होते हैं वो एक अच्छा जरिया है जिससे कि हम लोग सोसाइटी को एंगेज रख सकें हम लोग उनसे मिल सकें सब लोग एक साथ इंजॉय कर सकें वेदर अच्छा है टाइम अच्छा है तो इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं
अगले साल भी हमको पूरा विश्वास है हम लोग ये रन करेंगे, इसमें और लोग भागीदार होंगे और हम लोग इसको और आगे ले जाएंगे। मैसेज क्या देंगे? मैसेज ये है कि सोसाइटी को एक ग्रीन एनवायरनमेंट बनाना है, एक हरा एनवायरनमेंट बनाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हम लोग भी प्लांट के अंदर बहुत काम कर रहे हैं और बहुत काम करना है, तो हम लोग मिलकर अगर एनवायरनमेंट को बचाएंगे तो ज़रूर हम लोग अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। सूर्य उदय होगा पूर्व एटी लोक मैंने आसिक पहुँची जाइए और सूर्य देखा दी ना लोक मान रनिंग स्टार्ट होता याठू बड़ खुशर कथा किसी नुहे समस्ते निज हेल्थ बर्तमान बहुत कन्सीयस आउ टाटा स्टील BSL तरफ गोटे बहुत बढ़िया मेसेज भी आज रखाई था गोटे सबुज पृथ्वी आ गए सुस्थ वातावरण सहित कहीं देखते बर्तमान एत प्रकार हेल्थ हजार्ड सब देखा करोना भाइर कहूँ एम बहुत बड़ बड़ समस्या अच्छी आगुक आसवाक जाऊँ तो से भाया गोटे परिस्थिति में आम निजे निजक सुस्थ रखा निजक फिट रखा और सहित आम परेश फिट रखा से बहुत मात्रा दरकार कर फ्यूचर को सिक्योर करने तो से भाया गोटे घड़ी सन्धि मुहूर्त आज रही जो सका जो प्रोग्राम मत लगुच लोक मूँ बहुत मात्र हेल्थ आउ फिटनेस कन्सीयस कर यहाँ द्वितीय वर्ष मुझे टाटा स्टील BSL माराथन को गत वर्ष अपेक्षा एथर कलेबर बढ़ी आशा करी जे ये भल पाइबा फिटनेस प्रति लोकर एठिकार लोकाल लोक मानक आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी जा ओडा जमी स्पोर्ट्स हब हो चली सब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को भी आहरी बहुत मात्रा में चलित बर्ष कलाहांडी जिला कलमपुर पेक्स रे धान किणारे बहुत दुर्नीति अभियोग होइछि। पेक्स अधीन मंडी में दलाल राज करथुवा बळे पेक्स अधिकारी तहिरे संप्रत थिबा चासी माने अभियोग करिछन्ति। प्रबल शीत गाकरे चासी धान आनी मंडी में पड़ रहुथुवा बळे दलाल माने घरु घरु एवं खळारु ट्रक ट्रक सीधा सळक मिल को धान नउथुवा चासी माने अभियोग करिछन्ति। तासो चासी को धान को नाना प्रकार आळ देखाइ हैरान करा जाउछि जहाँ फळरे निरीह चासी धान बिक्री वंचित हो नाना समस्या सम्मुखीन होती। कलमपुर ब्लॉक पेक्स अधीन देवपुर ग्राम पंचायत इच्छापुर मंडी में एक चाषी राजेन्द्र पात्र को जाणीशु पेक्स अधिकारी हैरान करयोग आसी राजेन्द्र को 200 क्विंटल टोकन दि जाइए धान को कौन पर उठा जाए ना ताबे प्रश्नवाची सृष्टि करूलचाल जी जिते अधिक के जी कटनी छटनी राजी हेले तार धान शीघ्र बिक्री होची बोली राजेन्द्र पात्र अभियोग करते पेक्स अधिकारी जोगाण विभाग भाग रही से कहते से जिला प्रशासन दृष्टि दोषी विरुद्ध में कार्यानुषान ग्रहण करने को साधारण दावी होती। चाषी मान धान अच्छे से सब धान सब ना गुड़ाक टीपीछे आर्तमान से सारिकी देवपुर गली देवपुर मंडी भी देखिक आसली तार बर्तमान इच्छापुर मंडी में अच्छे आर धान विदाउट टोकन रे आरो कार धान टोटाली टोकन नहीं आसला बर्तमान स्थिति क्या हाँ सब रिपोर्ट लिखी निर्देश क्रम जी सर आम को जड़े चाषी सीधा करते राजेन्द्र पात्र से मैसे टोकन पाइक धान नहीं पैक्स वाला कोई पार्बे जेहेतु कि हमके कोनो से प्रकार धान उठवा पाइक तो नहीं देला जे वर्तमान आपन इच्छापुर मंडी रे छन काना आपन इन्वेस्टिगेशन देखली राजेन्द्र पात्रंकर धान भी अछे आ तंकर आ गुटे काना जी सुनील पात्र धान भी अछे केते जण चासी को धान पड़ी दै छै वर्तमान त देखु छै आपन बाइक नउ छन ए आपन जे मंडी का आसले सिनर कर्मचारी मन अछन ना काई गले काना जे कर्मचारी नियोजित छ हां आपन तो आसले जे कर्मचारी मन आसबा कथा कंधमाल जिला बालीगुड़ा वन विभाग में धरा पड़ी चोरा पिरती। बालीगुड़ा वन विभाग अंतर्गत बारखमा ठारे गत रात्रि से ट्रक एवं पिकअप भ्यान में सियाली खोली लोड करा करा खबर पाइबा परे सेठार बारखमा फॉरेस्टर घटनास्थल को जाई गाड़ी को अटक रखा सहित गाड़ी चाबी काढ़ी नहीं बालीगुड़ा ACF को जनाइले कि दुईट गाड़ी साल खोली बाहर को चलाण पर परमिट 31 तारीख दिन समाप्त होते यह गाड़ी को लोड पर अनुमति देला किए ता विराट प्रश्नवाची सृष्टि कर परवर्त खबर को कोईडा ब्लक कोईडा सत्संग केन्द्र ठारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 132वां जन्म महोत्सव पालित हो शुभ महोत्सव में विभिन्न स्थान आसा कोईडा लहुणीपड़ा करटा टेनसर राजमुंडा लाठिकटा राउरकला बड़बिल जोड़ा बनाई हजार हजार गुरुभ्राता और मातृमंडली जोग देते उत्सव में कोईडा थाना अधिकारी श्रीजुक्त देवेन्द्रनाथ पिंगुआ दीप प्रज्वलन कर श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर को रथरे बसाई शह शह गुरुभ्राता और मातृमंडली द्वारा कोईडा परिभ्रमण करते। कोरापुट जिलार बैपारीगुड़ा ब्लक शिक्षा विभाग अधीन दोरगुड़ा क्लस्टर शिक्षक शिक्षयित्री मानक नहीं बंधुमिलन कार्यक्रम सह अवसरप्राप्त शिक्षक को संवर्धना करा उक्त कार्यक्रम में बैपारीगुड़ा ब्लक गोष्ठी शिक्षा अधिकारी सुधीर चंद्र रथ जोगदेता बेले सम्मानित अतिथि भाव में बैपारीगुड़ा प्राथमिक शिक्षक संघर सभापति शरत चंद्र राउत जोगदान देते।
मयूरभंज जिला झारपखरिया बांगीरपोषी चांदुआ कुलीहणा आदि थाना अंचल में लगातार भाव घटुवा विद्युत तार चोरी घटन पूर्व चोर धरापड़ी जेल जावापर मध्य तार चोरी बंद होता जहाँकि पुलिस पर मुंड व्यथार कारण साजिता तेज विशेष सूत्र खबर पाई झारपखरिया थाना अधिकारी सुदर्शन गांगई चांदुआ और बांगीरपोषी थाना अंचल दुईज को गिरफ्त करता बेले पक्ष लक्षाधिक टकर चोरा विद्युत तार जबत करी तेज गिरफ अभियुक्त मैंने चांदुआ थाना अंचल बैलेश्वर पात्र और बांगीरपोषी थाना अंचल राहुल सिंह भी जमापड़ी आज डाक्तरी मैना पर उभय को कोर्ट चालन कर थाना अधिकारी सूचना देखते। नयगढ़ जिला रासनाखेड़ यूनिक अनुक्षयन केन्द्र पक्ष एक ट्राफिक सचेतनता कार्यक्रम अनुषित होती स्थानीय योग समिति सदस्य और छात्र छात्री मैंने लोकों को ट्राफिक उपर सचेतनता कराते गोलाफुल और चॉकलेट दे हेलमेट पिंधा को उत्साहित करते छात्र छात्री एभली प्रयास को समस्ते स्वागत करते अधिक आलोचना करम प्रतिनिधि जयेन्द्र बेहरा। ट्राफिक सचेतनता बिना हेलमेट गाड़ी चला मद्यपान कर गाड़ी चला गाड़ी ड्राइवर मान सचेतन कर छात्र छात्री मैंने नयगढ़ जिला राजसनाखेड़ा यूनिक कोचिंग सेंटर और गोपबंधु योग समिति पक्षर चली सचेतनता कार्यक्रम आम अच्छे से सचेतनता कार्यक्रम पूरापूरी आलोचना करवा उद्देश्य से मैंने सचेतनता करूँ छात्र छात्री मैंने राजरास्ता को आसी कहीं सचेतनता कर लक्ष्य कौन आम सहित छात्र छात्री मैंने अच्छा प्रथम आलोचना करवा प्रथम छात्र सहित अच्छा क्यों उद्देश्य आपचय जानवि क्यों उद्देश्य आपचेतनता कार्यक्रम कर मो ना आशीष बारिक यूनिक कोचिंग सेंटर रू आठ आम प्रकृत में चलती जाती जनसंख्या सचेतन होते कहीं भारत में जिते जनसंख्या गाड़ी आक्सीडेट मरवे लगी बिना हेलमेट पिंधार जो कहीं थे आते ब्यांक बिंदाड़ी गोटे आक्सीडेट होता बिना हेलमेट जो जड़े मृत्युवरण करते कारण हेलमेट पिंधे से सियोर बंची रही था कि बिना हेलमेट से मरिया जो सचेतना चलती जपर हेलमेट पिंधा हे जो पुलिस जो आम पुलिस कर्मचारी भाई मैंने जो ये फाइन जो बढ़े लगी लोक मान से बचिकमी लोक मैंने बचे हेलमेट पिंधिक गाड़ी चलने आइन देखा पड़े से फाइन को बढ़े चलिए से मैंने सचेतनता करमेट पिंधि गाड़ी चलाना करेंगे लाइसेंस थी समस्त गाड़ी कागजात पत्र थी आम सहित मैं जे शिक्षक अच्छा सहित आलोचना करवा आप क्यों उद्देश्य ट्राफिक सचेतनता कर परिचय जानवा चाहिए सदस्य आम सचेतनता सृष्टि करने आज कार्यक्रम आयोजन करम पुलिस बंधु एवं सांबादिक बंधु गण आम जो गोपबंधु योग समिति यूनिक कोचिंग सेन्टर समस्त छात्र छात्री एवं कलेज राजसनाखा महाविद्यालय अध्यापक आम पाली सार और समस्त अनेक छात्र छात्री योगदे ये कार्यक्रम को सफल सृष्टि करम गोटे दुर्लभ कार्यक्रम यह समग्र विश्वर एक अभूतपूर्व कार्यक्रम जेहेतु यह कार्यक्रम जी सम्पादन कराए तो धन जीवन सुरक्षित रोम आम सुस्थ सुंदर कार्यक्रम निहाँ भल कथा और निहाँ सचेतनता कार्यक्रम आम सहित आम छात्र छात्री अच्छा क्यों स्लोगान दे से लोक मान सचेतन कराऊँ से कौन स्लोगान दे लोक मान सचेतन कराऊँ आमर तो प्रथम स्लोगान अच्छे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जोड़ा को आम पिलाटी दिन शुणी आसू समस्ते भी शुणुंट कि आम ये कथ आम जो छोट भाई भाई मैंने आपको अनुरोध करके कहूँ दयाकोरी आम स्लोगान टाक आपने काम लगातु मेनली आम स्लोगान अच्छे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मद्यपान कर गाड़ी चलातु ना द्रुतगति महाविपत्ति इत्यादि अनेक स्लोगान तो आम दे चलीचु आगे को भी दे चलू कि अनुरोध स्लोगान टू मन दयाक कम लगा कारण ये मूल्यवान जीवन को एमती दिखाई बहुत धन्यवाद से कहते अनेक गुड़े स्लोगान नहीं फेरुले लोक मान सचेतन कराऊ ट्राफिक जड़े अच्छा शिक्षक अध्यापक जन अच्छा अध्यापक सहित आलोचना करवा जानवाक चाहिए क्यों उद्देश्य आपत भल पदक्षेप नौकर गोटे जुगानकारी पदक्षेप मतलब निहत कहपर लोक मूँ सचेतन करा गोटे पदक्षेप कमी चिंताधारा आसा
ଆଜି ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଡ଼ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଯୋଗ ସମିତି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲୁ ତାହା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ ଆମ ରାଲି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଅଛୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ଖେଳା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ଖେଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ପୁରା ମାର୍କେଟକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ଯେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା। କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ? ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ନଥିଲେ, କ୍ଲଚ୍ ନଥିଲେ, ତେଲ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଲମେଟ୍ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 100% ଲୋକ କେମିତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ସୁନାଖଳା ଏରିଆରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବେ। ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବିନା କାଗଜାତ ପତ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ 3 ମାସ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ସରିସରି ଆସୁଛି। ଟ୍ରାଫିକକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ବି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବିନା କାଗଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାଜିବ। ଏ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ହେବେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଦେଓବାହାଲି ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଓବାହାଲ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଚାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମା ଏବଂ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତକ ମହିଳା ନିଜ ବାପ ଘର ଦମାପଡ଼ାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ଗୀତା ଦଣ୍ଡସେନା ଏବଂ ପୁଅ ଜିଉସ୍ ଦଣ୍ଡସେନା 3 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହରା ଛକଠାରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଲେ ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୁନାନି ଗାଁର ମହାଦେବ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ବଳରାମ ମାଝୀ। ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ବଳରାମ ମାଝୀ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମୋହରା ଛକଠାରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ବଳରାମଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟା ଛୁଆ କଲେଜକୁ ପଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମହା ଗାଁ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସିକିରି ପିଟି ଦେଇଛି। ଜଣେ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଜଣେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ପାଖେ ଅଛନ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଜବ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଆମର ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖେ ନେଇ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ ନେଉ। କାଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛ? କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ 20 ଲକ୍ଷ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ, ଆଉ ସେ ମାଲିକ ଦେବାର ଅଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାର ମା ଜଣେ ବିଧବା, ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସହଯୋଗ ପାଇବାର, ତାକୁ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆମେ ହଟିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବିଷ୍ଣୁପୁରଠାରେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ऐसा है, आज से 5064 साल पहले गीता को पढ़ेंगे तो उसमें अंतिम यही यत्र योगेश्वर कृष्ण, ही इज़ दी ओनली योगेश्वर। हृदयेश्वर कहिए, भुवनेश्वर कहिए, सर्वेश्वर कहिए, विश्वेश्वर कहिए, कुछ भी शब्द लगा दीजिए, लेकिन बेसिकली जो प्रथम योगी राज है वो पूरे ब्रह्मांड का, और इससे पहले भी अनादिकाल से योगी सबसे बड़े वही है। और योगी का मतलब होता है ये नहीं है, योगी का मतलब है आपका प्रभु जगन्नाथ से जुड़ना। योग मीन्स
यूनियन योर सेल्फ एंड हिम सेल्फ, दोनों का जुड़ना, अर्थात वह तुम्हारे करीब आए तुम उसके करीब जाओ, दैट इज कॉल्ड योग। उसके लिए ये छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हम करते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन योग का मतलब ये है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कन्वर्ज मर्ज विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, मानवीय चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़ जाए, सेल्फ सुपर सेल्फ, कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस, सोल सुपर सोल, इन दोनों का जुड़ना, इसको योग कहते हैं। पिलांको मध्याह्न भोजन चावल को खाई गले प्रधान शिक्षक, एभली एक अभियोग होती कंधमाल जिला रायकिया ब्लक केन्दुखरी सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय रे। ए स्कूल रे प्राय 30 पिला रहिथवा बले स्टाफ 5 जन अछंती। प्रधान शिक्षक उदयनाथ साहू पिलामानक मध्याह्न भोजन पई एक गाड़ी रे आसीथिबा चावल को गोटे पैकेट निज स्कूल रे रखिथिले एवं आउ दुई पैकेट अन्य स्कूल रे रखिथिले। या ग्रामवासी एवं स्कूल कमिटी प्रेसिडेंट देखी प्रधान शिक्षक को पचारिथिले। प्रधान शिक्षक कहिथिले जे स्कूल रो चावल सरी जाइथिला, जणक ठारु उधार अणा जाइथिला एवं ताकु फेरस्त करबा पई अलग रखा जाइछि। तबे एने स्कूल कमिटी सभापति सीआरसीएस को जणाई बारु से घटना विषय रे तदंत करिवे बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति। एबडे हमर प्रतिनिधि स्कूल रो प्रधान शिक्षक को भेटि बारु से कैमरा सामने रे किछ कहबा पई सीधा सीधा मना कर दैछन्ति। सर स्कूल रे पाचेरी भी ठीक रहते वर्ष हेलानी हो पारना है, आउ कौन सी जिनस शिक्षा भी हो पार ना सर, आउ से बोल के से भाई आम जाइए से सार मानक जनइले जनलापर से आम जी आम चाउल पत्र सब नहीं चोरी कर सार मैंने सब बिका भंग कर दे सब दुख स्टोरी जनई दू सार आपण मैंने से दुख स्टोरी बुझे जी आप सारे बोले विषय नहीं कहवा चाहती बोले स्कूल सार आसिले कि आउ किछि किछि हेतदार करछंती किछि किछि अन्यथा कर दउछंती। आउ चाउल से दिन गाड़ रे आसिला भितरे से मास्टर चाउल पैकेट उलेले उलेकरी तापरे पुणी गाड़ रे पछे पछे गले जेतळ आमे सब संदेह कलु। संदेह दूर करिया पई ता पिछे पिछे आमे जाईगिरी संदेह देखिलु जे से गोटे से स्कूल रे चाउल रखिथिले दी पैकेट खंडे दी पैकेट रखिले सेटा फोटो उठा उठी करिकिरी आउ गाँ लोक समस्ते हेकिरी जाईगिरी आसिलु। आसिला परे मीटिंग पत्र कलु आउ करि सात मास तले विवाह करथिबा युवती निज स्वामी को छाड़ी भणजा सहित फेरार। एभली एक अभावन घटना घटी पटामुंडी थाना अंतर्गत मंडपड़ा ग्राम रे। आली थाना अंतर्गत कलशपुर ग्रामर मीनखी दल गत सात मास तले मंडपड़ा ग्रामर अनिल खिलर को विवाह करथिले। विवाह किछि दिन परे अनिल रोजगार रे करबा पई बाहर को चली जाइथिले एवं स्वामीर अनुपस्थितर सुजोग नै घर को जातायत करथिबा अनिल रो भणजा चिरंजीवी प्रेम में पड़ गतल रात घर लुचि पड़ते तेज ग्रामवासी सहयोग में उभय को धरी आनी बुझासुझा करने दुहे बहुत करने को जिद धरते और माई भणजार प्रेम बहुत को नहीं समग्र जिले में एवं चर्चार विषय होता बेले किसी लोक यहाँ निंदा कर गोटे कथा से मोर किसी अधिकार ना समर्पित करदे झील कौन कला कौन ना सी बुझे ना मुझे बुझे बर्तमान मो मुंड कम कर किसी जान पारे मुझे बर्तमान सुन सुन मुंड सी जदि प्रकृत बहुत से कौन आगुरी जब भल पाला गुजराट मगे किवाहार मामू सांगे बहुत करांगे प्रेम संपर्क रखी पुणी सात मास पर जो आसवा बहुत निंदन घटना समाज पाई एरिया अंचल निंदन घटना पुणी मामू को छाड़ी भणजा प्रेम पगली कौन कह पगली बहुत आपण तो भारतीय आईन कहि जे जिते बयस सीमा टपि जा तेणु आम आज करिए जहाँ राजी हम से जिते गोटे बहुत करते छाड़पत्र आईन संगत नुह भी ग्रामवास स्वीकृति दौरान यथार्थ ग्रामवास स्वीकृति देवे कौन से दिज दुईपक्ष राजी अच्छा जो पुओ झी राजी अच्छे ग्रामवास स्वीकृति देवार कौन प्रश्न हो ग्रामवास कौन बाध्यतामूलक बाहर करेच्छाकृत भाव से आसिक बहुत ग्रामवास कहीं स्वीकृति देवे मामू जो दुबई अच्छा जो स्त्री पलि से निश्चिंत टेलीफोन कांदी थी कांदिकी से कहला जो स्त्री पलि से आ ग्रहण करने हिंदू शास्त्र अनुपात नियम ना सेकेंड थर विभाग करने बाहर सात मस बर्षे बैंगलोर Thank you.
ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ବାବଦରେ ମାମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି? ମୁଁ ଥରେ କନ୍ୟାଦାନ କଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କନ୍ୟାଦାନ କରେଇନି କେବେ। ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଷାଘାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ତଳେ ଏକ ଯୁବକ ପଡ଼ି ହୋଇଥିବାର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ମୃତଦେହ। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମର୍ଷାଘାଇ ଥାନାକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମର୍ଷାଘାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ନୀତିଶ ଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଡିପିଓ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ମର୍ଷାଘାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ମୁଁ କେମିତି କହିବି କିଏ ମାରିଲା ତାକୁ? ମୋ ଭାଇ ମୋ କତିକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ଯିବୁ ନା? କହିଲା ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରୁହେ। ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଡାକିଲି ଫୋନ କରି, ଭାଇ ତୁ କୋଉଠି? ବାରଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲା। ମୋ ଭାଇ କତିକି ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଦିନ ବାରଟାରେ। ଭାଇ କହିଲା କାଇଁ ଡାକୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ରୋଷେଇ ସାରିଛି, ଆ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକିନି ଯିବୁ। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଥିଲା, ମୋ ଭାଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ ସେ ମାରିକିନି ତାକୁ ମାରିଥିଲା ଥରେ, ପୁଣି ଆଜି ସେଇ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ ମୋ ଭାଇକୁ। ହେଇଗଲାଣି 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ସେ ମାରିଥିଲେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ମୋ ଭାଇକୁ। ଆମରି ଦଣ୍ଡାରେ ମାରିଥିଲେ, ଆମରି ଦଣ୍ଡା ବାଲି ଦଣ୍ଡା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।